6th class English. New lesson start. Okay. A letter form Hingoli. ये नया लेसन अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज से. ठीक है, या देखिए सुंदर सा चित्र दिखाई गया है. देखो ये नदी दिखाई गई है ना, कितना सुंदर चित्र है. बफेलो नदी में खेलते हुए बच्चे, भैंस के पीठ पे बैठा हुआ बच्चा, है ना, कितना सुंदर वर्णन है, कितना सुंदर चित्र है. ये लाइब्रेरी दिखाई गई है, पुस्तकालय दिखाया गया है, आम दिखाई दे रहे हैं. आम यानी समर का सीजन यानी गर्मी का मौसम दिखाया गया है. आमरस, करोड़ी, कितनी सुंदर हिल्स यानी पहाड़ियाँ बताई गई है. और ये बीच में से, पहाड़ियों से बीच में से गुजरने वाले रास्ते, कितना सुंदर मनोहारी दृश्य इस पार्ट में दिखाया गया है. पार्ट भी उतना ही सुंदर होगा. अ लेटर फॉर्म हिंगोली. अब शायद हिंगोली से लिखा हुआ लेटर है, वो देखते हैं अपन. हिंगोली, 9th June 2015. माय डियर संजू मामा, आई हैव रीच्ड हिंगोली. हाउ वंडरफुल वॉज द डेज वी स्पेंड एट सगरोली. अनफॉरगेटेबल मोमेंट दिस समर वैकेशन हैज एडेड सो मैनी कलरफुल मेमोरीज टू माई लाइफ. संजू मामा, आई रियली मिस सगरोली. ठीक है, अब रमन नाम का जो लड़का है, रमन नाम का जो लड़का है, उसने अपने संजू मामा को लेटर लिखा कि मेरे प्यारे संजू मामा, मैं हिंगोली पहुंच चुका हूँ सगरोली में. जो उसने समर की जो छुट्टियां बिताई थी, जो गर्मी के उसने दिन बिताए, वो बहुत ही अनमोल थे, बहुत ही अविस्मरणीय क्षण थे. वो छुट्टियां हमारे जीवन में बहुत ही रंगीन स्मृतियां जोड़ गई है. संजू मामा, हमें सगरोली की बहुत ही याद आ रही है. ठीक है, ऐसा रमन अपने लेटर में बोल रहा है. अब जैसे से कंस्टांजा, एट सगरोली आई एंजॉय स्विमिंग इन द मांजरा रिवर, प्लेइंग विथ तेजस एंड अवधूत ऑन द बैंक एंड गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स थ्रू द बालाघाट हिल्स, राइडिंग अ बफेलो ऑन द वे बैक होम, आई फेल्ट लाइक द किंग ऑफ सगरोली. ठीक है, ऐसा रमन बोल रहा है. अब रमन क्या बोला, सगरोली में मैंने जो मांजरा रिवर थी, वो मांजरा रिवर में उसने तैरने का आनंद लिया, उसके बाद तेजस और अवधूत के साथ, तेजस और अवधूत के साथ मांजरा नदी के किनारे खेले. जो बालाघाट की पहाड़ियों में ये बहुत दूर तक ये बच्चे घूमे, है ना, घूमे. और आखिरी में क्या किया कि भैंस की सवारी की, है ना, भैंस के पीठ पे बैठ के घर लौटने का आनंद लिया. और भैंस के पीठ पे बैठकर मानो रमन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सगरोली का राजा हो, ऐसा रमन को लग रहा था. थर्ड स्टांजा देखिए क्या है, द लंच, वाओ, आमरस विथ कुरोड़ी, पापड़िया एंड कांदा भजी, मेरा मामी इज अ ग्रेट कुक, अ मास्टर रीडिंग द बॉन्ड वॉल्यूम, साप किशोर चंपक एंड कुमार इन काका आजोबा लाइब्रेरी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई विजिट टू सगरोली नेक्स्ट ईयर. और रमन बोल रहा है कि जो दोपहर का खाना था, वाह, उसके बारे में क्या कहना,
पुरोड़ा, आमरस, पापड़ा, हाँ, और आजी ने बनाई हुई श्रीखंड वड़ी, उसका क्या कहना। और जो मीरा मामी थी वो तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती थी, बहुत ही ग्रेट कुक थी। और काका और आजोबा की जो जो पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय में पढ़े हुए चंपक कुमार की जो जो कहानियाँ थी वो बहुत ही बेजोड़ बेजोड़ थी। जो अध्ययन किया था ना उसने पुस्तकालय में बैठ के, वो बहुत ही बहुत अच्छा लगा, वो पढ़ के बहुत खुशी हुई। और फिर से अभी रमन नेक्स्ट ईयर सागरोली जाने की राह देख रहा है। ठीक है, गिव माय रिगार्ड्स टू आजी आजोबा, राजू मामा, शीला मामी, उसके बाद मीरा मामी, एंड लव लव एंड बेस्ट विशेष टू तेजस एंड अवधूत, दादा दादी जी, राजू मामा, मीरा मामी, शीला मामी को मेरा सप्रेम नमस्कार, और तेजस और अवधूत को स्नेह युक्त बहुत सारा प्यार। ठीक है, आपका प्रिय रमन। ठीक है, और नीचे पोस्टल एड्रेस भेजा है उसने, आई एम सेंडिंग 2 पोस्टल स्टैम्प फॉर तेजस। ठीक है, पोस्टल स्टैम्प भेजे उसने तेजस के लिए, एंड अ मैच बॉक्स कवर फॉर अवधूत फॉर देयर कलेक्शन, और अवधूत को अपने कलेक्शन के लिए मैच बॉक्स के कवर भेजे। इस तरह से अपना अ लेटर फॉर्म हिंगोली ये लेसन कंप्लीट हुआ।